हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया नवसत्वर शुरू होता है हम लोगों का, हिंदुओं का हिंदी हिसाब से, तो वो आज से उसकी शुरुआत होती है। और आज है उसका प्रथम दिवस यानी पहला दिन। और आज ये हमारा नवरात्रे का भी पहला दिन, देवी जी के नवरात्रे चल रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को मैं एक दो छंद सुनाऊँगी और आप ये देखिएगा कि हम इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और घर में रोज़ाना भजन गाते हैं या नहीं गाते हैं, बताइएगा मुझे। हम लोग तो भजन गाते हैं और किसी किसी दिन नहीं भी गाते हैं अब, क्योंकि मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से हम वैसे तो नहीं गाएंगे लेकिन आपको सुना देंगे, एक दो भजन सुनाएंगे। तो वरना हम तो भजन इकट्ठे होकर ना सारे मिलकर भजन गाते, छंद गाते थे रोज़ शाम को 4-5 बजे के करीब गाते थे नवरात्रों में, और 7 बजे की आरती हम सब बहन भाई और भी जो हैं सब लोग मिलके करते थे। बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि हाँ कुछ है, कोई त्यौहार है, बड़ा महसूस होता था। लेकिन अब एक तो किसी के पास वक्त नहीं है, दूसरे अब इतना संभव नहीं हो पाता है, तो जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। वैसे भी जब से हमारी अम्मा की तबीयत खराब हुई है ना, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। भगवान जल्दी से उन्हें सही कर देना तो हम लोगों को चैन पड़ेगा। अभी वो बिस्तर पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी हालत में सुधार है लेकिन अभी इतना नहीं है जितना हम लोग चाहते हैं ना कि बिल्कुल फिर से पहले की तरह खड़ी हो जाएं। अभी खड़ी नहीं हो पा रही है, असल में वो अन्न नहीं खा रही हैं, वो खा रही हैं सिर्फ दलिया और खिचड़ी, ऐसी चीज़ें खा रही हैं, रोटी नहीं खा रही हैं। तो अभी ताकत नहीं है शरीर में उनके, बिल्कुल शरीर बिल्कुल लोजर पुजर हो रहा है। चलिए सही हों वो, देवी माता से मेरी प्रार्थना है और आप सब लोग भी सही रहें, खुश रहें, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सब सही रहें। देवी माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी देवी माता से ये विनती है। और आइए मिलते हैं इस नवरात्रि की पहली कन्या से। ये हमारे घर में आई हैं और आज ये घूमने भी आई हुई हैं हमारे यहाँ। तो ये हमारी देवी माता छोटी सी आई हैं, अपने नाना जी से बात कर रही हैं, वो खिला रहे हैं इसको, टुकड़ टुकड़ देख रही है। 1 महीना 6-7 दिन का बच्चा है और देखिए कैसा ऐसा समझदारी से हंस रहा है, देख रही है, ऐसे मुस्कुरा रही है, पता नहीं कितनी बात को समझती है शक्ल देख के, बोलने हु करके बोल रही है। आजकल बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं, बहुत बोलने लगे हैं। ये देखिए हंकारे भर रही है, अगर नहीं देख रहे हैं तो खुद बोल रही है बच्चे भी कमाल हैं भैया। और ये देखिए, ये मैंने बनाई है कुछ पगड़ियाँ, ये कान्हा जी की पगड़ी है और ये देवी माता के मुकुट हैं। ये मुकुट के साथ हम इसमें बाल अटैच कर देते हैं बाजार से लेके ना, और पीछे से वो चिपकाने वाला लगा देते हैं। तो ये कितने भी बड़े और कितने भी छोटे, सर पे, माता के सिर पे, भगवान के सिर पे फिट हो जाते हैं। तो ये मैंने बनाए हैं कुछ, ये देखिए इस तरह से। ये भी मैंने ऐसे बना के कुछ दिन पहले दिए थे और ये और बनाए हैं। तो ये और जिसमें बाल लगा के रख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ये वाले बाल देवी माता के, कान्हा जी के, कान्हा जी की पगड़ी है ये देखिए, और पगड़ी में लच्छेदार गोल बाल बनाए हैं। पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से ही आगे बढ़ने के चांस होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। और वॉच टाइम पूरा होता है तभी कुछ हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है, इसीलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बार बार। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।